जनपद कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र के अंतर्गत सोच के लिए गई 16 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोस के ही एक गांव के मनचले के द्वारा रेप का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मनचला लड़की को बेहोश हालत में छोड़कर भागता देख ग्रामीणों ने पकड़ा मनचले रेप के आरोपी को। ग्रामीणों ने धुना और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। थाना मूसानगर आना पड़ा। सुबह सुबह मेरी बहन यानी लमसम 15 साल की है, सुबह गई थी लेटरिंग करके। इधर पड़ोस का गांव का भंडा का आदमी था, उसने जबरन मेरी बहन के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। ये मूसानगर थाने में रिपोर्ट कराने आए हैं। जो बलात्कार जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो आरोपी क्या पकड़ा गया? वो पकड़ा गया है, मेरे गांव के लोगों ने जबरदस्ती वो बलात्कार करके भाग गया था। मेरी बहन बेहोश पड़ी हुई थी, मैं उसको घर लाया। मेरे को मालूम, जब गाँव वालों को पता पड़ा, उसे भाग रहा था, दौड़ा दौड़ा के पकड़ा, फिर एक उसके चोट लगी हुई। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस बोल ही नहीं रही है, कुछ बोल लिख रहे हैं क्या मालूम, अभी बोल नहीं रहे। सुबह 3-4 घंटा 5 बजे क्या चाहते हैं आप? उसको सजा मिलना चाहिए। क्या मामला हो गया माता जी? बेटी के संग में ये घटना हुई है। क्या घटना हुई बेटी से? अरे एक लड़के ने छोड़ा। कहाँ का लड़का है? गुंडा का। अच्छा, कब का मामला है ये? 10 बजे तो। 10 बजे है, आज ही की घटना है? हाँ, आज सुबह के 10 बजे। क्या उम्र है बेटी की आपकी? 15 साल। क्या घटना हुई बेटी के साथ? उसने मतलब पकड़ा दकड़ी से मतलब बलात्कार किया। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो सर कुछ नहीं करो, अब नहीं बैठे हैं थाने के अंदर।